एब्सोल्यूट सिंगापुर पीटीई लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फॉर वॉशिंग मशीन्स इन एन असेंबली लाइन। जो सिंगापुर एब्सोल्यूट सिंगापुर लिमिटेड है वो इलेक्ट्रॉनिक वो मैन्युफैक्चर करता है वॉशिंग मशीन्स के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। रिसेंट मार्केट सर्वे इंडिकेट करती है कि इसके जो क्लाइंट्स हैं उनमें कमी आई है, क्योंकि इसके जो गुड्स की क्वालिटी हैं वो अच्छी नहीं है। ASPL is concerned because its competitors have been able to achieve zero defect performance in terms of nil sales returns on account of quality and nil subsequent warranty cost। ये कह रहा है कि फर्दर की जो ASPL है उसको इस बात का भी डर है कि उसका जो कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने जो है क्वालिटी के रिस्पेक्ट में जो उनकी जो सेल्स रिटर्न आई आती है उनके कॉम्पिटिटर की वो नील हो गई हैं, और इसलिए उनकी जो सब्सिक्वेंट जो वारंटी कॉस्ट है वो भी नील है। देयरफॉर द कॉम्पिटिटर्स इंजॉय ह्यूज कस्टमर लॉयल्टी, इसलिए जो उनके कॉम्पिटिटर है वो कस्टमर लॉयल्टी इंजॉय करते हैं। टू सेटिस्फाई इट्स कस्टमर द कंपनी ASPL वॉन्ट्स टू इम्प्रूव इट्स प्रोडक्ट क्वालिटी, और जो ASPL है वो भी चाहती है कि वो भी अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करे और कस्टमर लॉयल्टी को वापस से अर्न कर ले। इसके लिए उसने डिसाइड किया कि वो सिक्स सिग्मा जो है उसको कंसिडर करेगी। अब नीचे की इन्फॉर्मेशन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। जितने भी तरीके के पुअर क्वालिटी से रिलेटेड कॉस्ट होते हैं सिक्स सिग्मा में उसे हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक को कहते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट, फिर एक है दूसरा अप्रेजल कॉस्ट, फिर तीसरा है इंटरनल फेलियर कॉस्ट, और चौथा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट में आएगा ट्रेनिंग, ठीक है, यानी करने से होने से पहले प्रिवेंट करने, पुअर क्वालिटी होने से पहले प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे। अप्रेजल कॉस्ट मतलब कि इंस्पेक्शन करना समय समय पर। इंटरनल फेलियर कॉस्ट मतलब कि हो जाने के बाद उसके उसको बाहर नहीं जाने देना और उसको पहले ही अपने फैक्ट्री में ही उसको वापस से ठीक कर देना रिवर्क करके जो भी डिफेक्ट है उसके अंदर। फिर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में क्या होता है, ये जो पुअर क्वालिटी का जो सामान है वो बाहर चला जाता है और फिर कस्टमर उसे सेल रिटर्न कर देता है कि हमें नहीं चाहिए या हमें ठीक करके दो, वारंटी क्लेम जो भी है वो सारी चीज़ आती हैं, तो सेल रिटर्न वाला होता है ये। तो ये चार तरीके की कॉस्ट होती हैं, ठीक है, पुअर क्वालिटी से रिलेटेड। तो आगे की अभी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि एक साल में जो है वो कितने 25,000 यूनिट्स बेच देता है, और एक यूनिट कितने में बेचता है, 20,000 में बेचता है। तो अभी उसकी करंट सेल कितनी है, 25,000 यूनिट की है, और एक यूनिट की प्राइस 20,000 रुपये है। लेकिन कहते हैं कि इसकी जो 25,000 यूनिट जो बेचता है उसकी 1% तो सिर्फ सेल रिटर्न आ जाती है क्वालिटी इश्यूज़ के कारण। तो जो सेल रिटर्न हमने देखा वो किस तरीके की कॉस्ट होती है, वो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होती है। दीज आर स्क्रैप एंड, और फिर ये जो आता है इसको स्क्रैप कर दिया जाता है और फिर एक नए प्रोडक्ट से इसको रिप्लेस किया जाता है, यानी कस्टमर को एक नया प्रोडक्ट दे दिया जाता है। इन एडिशन ईच प्रोडक्ट इज अंडर वारंटी फॉर 1 ईयर आफ्टर सेल, और जो प्रोडक्ट है वो एक साल की वारंटी मिलती है सेल करने के बाद प्रोडक्ट को। इफ़ अ क्लेम इज एक्सेप्टेड अंडर वारंटी सर्विस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स इज डन फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसी बात है आपको फ्री में चीज़ें करके देनी पड़ेंगी सर्विस और रिप्लेसमेंट जो भी है अगर वारंटी पीरियड के अंदर है। तो करंट ईयरली वारंटी क्लेम्स कितना है, 30,00,000 रुपए का है। तो देखो सेल रिटर्न वारंटी के अंदर आई है तो आप एक तो या तो उसको रिपेयर करके दोगे, या रिपेयर नहीं हो सकते तो उसको रिप्लेस करके दोगे। तो जब आप उसको रिपेयर करके देते हो तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है, 30,00,000 एक साल की। यानी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कितना हुआ यहाँ पे, 30,00,000 का हुआ। और एक और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट था जिसमें हम उसको पूरे जो प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस करके देते थे, उसकी कॉस्ट कितनी है अभी हमें पता नहीं है। जो 12,000 लिखा है ये हमें नीचे बाद में पता चलेगा। तो अभी तो 250 यूनिट जो इसको हम रिप्लेस करके देते हैं, और जो रिपेयर करके देते हैं उसकी कॉस्ट 30,00,000 रुपये आती है। क्वालिटी कंट्रोल चेक एंड इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट डायरेक्टली एट द असेंबली लाइन। जो क्वालिटी कंट्रोल चेक जो इंस्पेक्शन जो हम कर रहे हैं अभी वो सीधा असेंबली लाइन पर ही है, यानी जब जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स जो हमने मैन्युफैक्चर ऑलरेडी कर लिया है उसकी असेंबली जब करते हैं उस समय हम सिर्फ इंस्पेक्शन चेक होते हैं, उसके अलावा किसी भी पॉइंट पर इंस्पेक्शन हम नहीं करते हैं। और जो इंस्पेक्शन पे जो अभी जो टोटल समय जो हमारा खर्च होता है वो होता है 2,000 घंटे का एक साल में, और इसकी जो कंपनी को कॉस्ट आती है वो 10,00,000 रुपीस की आती है। यानी जो इंस्पेक्शन की अभी करंट इस साल की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 10,00,000 रुपीस की, और उसमें कितना हमारा समय बर्बाद होता है, 2,000 घंटे का समय बर्बाद होता है। इंस्पेक्शन जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो 10% जो माल है वो रिजेक्ट है,
मतलब डिफेक्टिव मिल गया है, तो डिफेक्टिव मिल गया तो कितना एक्चुअल में एब्सोल्यूट नंबर फिगर कितनी है 10% की, 2525 यानी 2525 यूनिट्स जो है हमारे डिफेक्टिव निकल गए हैं। फिर इसके ऊपर रिवर्क करना पड़ता है हमें, तो जो हम रिवर्क करते हैं उसका हर एक घंटे का रिवर्क करने का हमें पड़ता है 6250, और एक घंटे में हम सिर्फ जो 5 यूनिट है सिर्फ हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट है क्या, अप्रेजल कॉस्ट है इंस्पेक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो अप्रेजल कॉस्ट कितनी आ रही है अभी, 10 लाख रुपये आ रही है। और रिवर्क क्या है, रिवर्क है इंटरनल फेलियर कॉस्ट, तो आ कितनी रही है, देखो इतनी यूनिट्स टोटल जो है 10% जो डिफेक्टिव निकलती है, और एक घंटे में हम सिर्फ 5 यूनिट को रिपेयर कर सकते हैं, यानी कितने घंटे लगेंगे इसको रिपेयर करने में, और एक घंटे की कॉस्ट इतनी आ रही है, यानी टोटल 31,56,250 रुपये की कॉस्ट आ रही है, किसकी, इंटरनल फेलियर कॉस्ट की आ रही है। अब ये कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का वो 12,500 है, यानी कि आप इसको इस यहाँ से रिलेट करके देखो कि कंपनी को जो एडिशनल जब कंपनी बनाती है कोई भी कंपोनेंट तो उसमें खर्चा आता है उसको 12,500, यानी जब कोई बंदा जब सेल रिटर्न करता है तो कंपनी उसको रिप्लेस करके माल देती है, नया माल देती है, जो नया माल देती है उसमें कंपनी को खर्चा कितना था, 12,500, यानी जो सेल रिटर्न है जो कि एक एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है उसकी कीमत कितनी आ रही है, कितनी आएगी, 2,500 यूनिट्स इंटू 12,500 एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट, यानी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट यहाँ पे दो आ गई, एक ये वाली आ गई, एक ये वाली आ गई। इंटरनल फेलियर कॉस्ट हमने देखी रिवर्क वाली, ये 31,56,000 वाली, और जो अप्रेजल कॉस्ट है वो भी हमने देखी 10 लाख की अभी आ रही है, तो सारी कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है। कहता है कि जो सिक्स सिग्मा टीम है उसने एनालाइज करने पे ये पाया कि जो रिवर्क है वो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कस्टमर के पास, क्योंकि कस्टमर के जो कस्टमर मतलब जो क्लाइंट है यानी एब्सोल्यूट सिंगापुर पीटीई लिमिटेड, उसके जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बिना ट्रेनिंग के लोग काम स्टार्ट कर देता है, इसलिए माल डिफेक्टिव बन जाता है, फिर उनको इंस्पेक्शन पकड़ा जाता है, फिर उसके ऊपर रिवर्क किया जाता है। सप्लायर से भी कोई रिव्यू नहीं होता, यानी सप्लायर जो रॉ मटेरियल जो भेज रहा है उसको आप रिव्यू नहीं करते, उसकी क्वालिटी चेक नहीं करते हो, और फिर वो सीधा आपको असेंबली में पकड़ा जाता है। और जो मशीन है ये कह रहा है कि ये भी आउटडेटेड हो गई है और इसको जो है पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो देखो ये मशीन जो आउटडेटेड हो गई है ये हमारी किसी भी तरीके की कॉस्ट से रिलेट नहीं कर रही है, मशीन के कारण पुअर क्वालिटी नहीं हो रही है, एक तो ये है, इसलिए मशीन के कारण जो है पुअर क्वालिटी नहीं हो रही है, इसलिए ये जो मशीन की जो कॉस्ट है इसको हम जो चारों जो हमारे जो कॉस्ट है उनमें किसी में भी कैटेगराइज नहीं करेंगे इसको। अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं कि आप भाई प्रिवेंशन कॉस्ट दो, यानी ट्रेनिंग दो, प्रोवाइड ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग दोगे तो उसके खर्चा कितना आएगा, 5,000 घंटे की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एक साल में, और एक घंटे का खर्चा आएगा 1,000 रुपये, यानी टोटल आपका लगभग 50 लाख रुपये का खर्चा आ जाएगा। ये तो ये नहीं ट्रेनिंग क्या है हमारी, एक तरीके से प्रिवेंशन कॉस्ट है, तो हमने यहाँ पे प्रिवेंशन कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली। फिर कह रहा है कि जो आप जो रॉ मटेरियल जो आपका पुअर क्वालिटी का आ रहा था, अगर आप क्वालिटी चेक लगा दो सप्लायर के ऊपर तो आपका पुअर क्वालिटी नहीं आएगा, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी आपको पड़ जाएगी, 1.5 करोड़ रुपये कॉस्ट पड़ जाएगी। तो क्वालिटी चेक है क्या एक तरीके से, क्वालिटी चेक मतलब सप्लाई के ऊपर क्वालिटी चेक है, प्रिवेंशन कॉस्ट है क्योंकि माल आने से पहले हम उसको चेक करें, यानी प्रिवेंशन कॉस्ट है। फिर कह रहा है कि जो करंट मशीन है जब आप उसको रिप्लेस करोगे तो आपको 3,60,00,000 रुपये लग जाएगा, और उसकी जो लाइफ होगी वो 3 साल की होगी। तो जैसे पहले भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो मशीन की जो कॉस्ट है वो पुअर क्वालिटी के कारण नहीं है, तो इसको हम चारों कैटेगरीज में से किसी में भी एलोकेट नहीं कर सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते, इसको अलग ही रहने दो मशीन की कॉस्ट को। और अगर आप ये तीनों सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर लेते हो, यानी मशीन नया ले लेते हो, आप ट्रेनिंग दे देते हो, आप सप्लायर के ऊपर क्वालिटी चेक लगा देते हो, तो उससे क्या होगा कि जो आपका जो रिवर्क है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, आपको रिवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एक भी पीस जो है डिफेक्टिव नहीं निकलेगा, जो सेल्स रिटर्न है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब जब पीस ही डिफेक्टिव नहीं निकलेगा तो कस्टमर के पास जाएगा क्या, और जाएगा ही नहीं तो फिर आएगा क्या, तो सेल रिटर्न वो भी आपकी नील हो जाएगी। एरेंटी वारंटी क्लेम ऑफकोर्स ये आते हैं, जब गया नहीं तो फिर आएगा कैसे रिपेयर होने के लिए, जब खराब गया नहीं तो ये भी वारंटी क्लेम जीरो हो जाएगी, यानी आपको एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू फैसिलिटी टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्शन एट द असेंबली लाइन वुड रिड्यूस फ्रॉम 2,000 आवर्स टू 1,200 आवर्स। जो आपको अभी जो लग रहा था इंस्पेक्शन के लिए वो लग रहा था 2,000 घंटा, और अब
आपको इंस्पेक्शन के लिए सिर्फ 1200 घंटे लगेगा जब आप तीनों सॉल्यूशन अप्लाई कर दोगे। तो इसीलिए जो आपकी जो अभी इंस्पेक्शन कॉस्ट आ रहे थे, इंस्पेक्शन कॉस्ट मतलब कि आपकी जो अप्रेजल कॉस्ट आ रही थी 10 लाख रुपये की, अब वो घट करके जब आप 3 सॉल्यूशन लगा लोगे तो सिर्फ 6 लाख रुपये रह जाएगी। यानी इंस्पेक्शन कॉस्ट यहाँ पर कम नहीं हुई है, वो इंस्पेक्शन कॉस्ट यानी अप्रेजल कॉस्ट कम नहीं हो रही है, अप्रेजल मतलब अप्रेजल कॉस्ट कम हो रही है, सॉरी एलिमिनेट नहीं हो रही है, बस वो कम हो रही है। यहाँ पे एक्सटर्नल फेल कॉस्ट और इंटरनल फेल कॉस्ट की गलती जीरो एलिमिनेट हो रही है, यहाँ पे अप्रेजल कॉस्ट एलिमिनेट नहीं हो रही, सिर्फ रिड्यूस हो रही है, 10 लाख रुपये से घट करके सिर्फ 6 लाख रुपये पर आ रही है, यानी 4 लाख रुपये का सेविंग्स आ रहा है। और बेटर क्वालिटी के कारण जो है ASPL की रेपुटेशन भी बढ़ेगी, इससे क्या होगा वो एडिशनली 5000 यूनिट जो है ज़्यादा सेल कर पाएगा। अभी वो कितने यूनिट सेल कर रहा है, 25,000 यूनिट सेल कर रहा है 20,000 के रेट पे। अब उसके बाद जब ये तीनों सॉल्यूशन अप्लाई कर लेगा उसके बाद उसकी जो रेपुटेशन बढ़ जाएगी क्वालिटी के लिए, और फिर उसकी जो एडिशनल 5,000 यूनिट्स है उसकी ज़्यादा सेल बढ़ जाएगी। यू आर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ ASPL एज अ पार्ट ऑफ द सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टीम। यू आर रिक्वेस्टेड to evaluate proposal suggested by the Six Sigma team. The team has used a DMAIC technique to assess quality improvement. जैसी सी बात है, हम करंट जो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, हम DMAIC टेक्निक लगाएंगे। अगर हमें नए प्रोडक्ट के लिए करना पड़ता तो हम DMADV टेक्निक लगाते हैं, ठीक है। तो हम देखो, हम इसमें सिक्स सिग्मा जो टेक्निक लगा देते हैं, तो सबसे पहले आता है डिफाइन। तो हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, प्रोजेक्ट का गोल क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी हम चीज़ें यहाँ पे डालेंगे। फिर मेज़र करेंगे, मेज़र में क्या होगा, मेज़र में जितने भी तरीके की हमने कॉस्ट देखी है उन सबको मेज़र करके लिख देंगे कि इसके चक्कर में इतनी इतनी कॉस्ट आ रही है। तो वो सारी चीज़ें हमने लिख दी, जैसे सेल्स रिटर्न की कॉस्ट कितनी आ रही है, वारंटी क्लेम्स, सेल्स रिटर्न की तो हमें पता ही है ना कितनी आ रही है, 250 यूनिट्स इंटू 1250 करके था कुछ, 500, ये सेल रिटर्न की कॉस्ट आ रही है। फिर वारंटी क्लेम्स भी आ रही है, वारंटी क्लेम कितनी है, वारंटी क्लेम में हमारा लग जाता है 30 लाख रुपए का खर्चा लग जाता है, प्लस 30 लाख, ये रहा। और कह रहा है कि फिर हम देखते हैं कि किस पे जो है वर्क कर रहा है, कौन से सिग्मा पे वर्क कर रहा है। जाहिर सी बात है, सिक्स सिग्मा पे तो कर नहीं रहा होगा, नहीं तो फिर हमें अप्लाई करने के लिए क्यों बनाते जब इसमें डिफेक्ट है। तो फिर 1-2 पे भी नहीं कर रहा होगा क्योंकि हालत इतनी भी ख़राब नहीं है। तो ये 3 या 4, ये 3-4 बीच में होता है, 5 भी नहीं होगा क्योंकि 5 में क्या होता है कि आपका 0 हो जाता है बिल्कुल एक तरीके से, मतलब अच्छी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आते हैं, बट इसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है नहीं इनकी। तो 3 या 4 के बीच में हम इसको रखेंगे। अब एनालाइज करेंगे, एनालाइज ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें देखा है कि प्रॉब्लम क्या क्या है, तो तीनों के प्रॉब्लम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर इनके जो सॉल्यूशंस है वो इम्प्रूव वाले स्टेज में हम लिख देंगे कि इनके जो है सॉल्यूशन क्या क्या है, सॉल्यूशन में लिख दिया, ठीक है, कि हमने ट्रेनिंग देनी है, हमने सप्लायर का जो क्वालिटी सप्लाई के ऊपर क्वालिटी चेक लगा देनी है, हमने जो मशीन है उसको नई मशीन को परचेस करनी है, उसके ऊपर 3,60,00,000 रुपए की मशीन परचेस करोगे 3 साल की लाइफ होगी, तो डेप्रिसिएशन एडिशनल तो आपका आ ही जाएगा ना 1,20,00,000 रुपए का। फिर देखो यहाँ पे क्वालिटी रिपोर्ट एक हमें बनानी है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ज़रूर बनानी है और अच्छा मज़ा भी आता है इसको बनाने में। तो देखो हमने 4 तरीके की कॉस्ट में जो पुअर क्वालिटी से रिलेटेड जो भी कॉस्ट थी उसे हम 4 भागों में हमने कैटेगराइज किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं बिफोर इम्प्रूवमेंट कितनी कॉस्ट आ रही थी उन 4 कैटेगरीज की, और आफ्टर इम्प्रूवमेंट उन 4 कैटेगरीज में कितनी कॉस्ट आ रही है। तो ट्रेनिंग, पहले क्या ट्रेनिंग हो रही थी, नहीं, प्रिवेंशन कॉस्ट पहले 0 था, अब हो रही है, तो अब कितनी कॉस्ट आ रही है, 50 लाख रुपये की कॉस्ट आ रही है। क्वालिटी प्लानिंग एंड इम्प्रूवमेंट, ये सप्लाई के ऊपर जो हमने क्वालिटी चेक लगाया था, तो पहले आ रही थी, नहीं, क्योंकि पहले हमने लगा ही नहीं रखा था क्वालिटी चेक सप्लाई के ऊपर, अब आ रही है क्योंकि हमने लगा रखा है, तो 1.5 करोड़ रुपये अब आ रही है। नहीं, पहले नील था ये दोनों प्रिवेंशन कॉस्ट, अब ये दोनों हो गया प्रिवेंशन कॉस्ट। अभी आप इसके ऊपर ध्यान में देना, परसेंटेज ऑफ सेल्स के ऊपर मैं बताऊंगा ये कैसे निकाल रखा है इन्होंने। फिर आते हैं हमारी अप्रेजल कॉस्ट यानी इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले 10 लाख रुपये थी, अब कितनी होगी, 6 लाख रुपये है, 4 लाख रुपये की सेविंग हो रही है एक तरीके से। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट। तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट में पहले रिवर करना पड़ा था, अब वो पूरा आपका एलिमिनेट हो गया। एक्सटर्नल फेल कॉस्ट में सेल्स रिटर्न वारंटी क्लेम थे, वो पूरा आपको पूरा जो है एलिमिनेट हो गया, क्वालिटी अच्छी होगी। तो
और पहले जो एलडी सेल से वो 50 लाख रुपए की और थी। कैसे? 25,000 यूनिट बेचे थे 20,000 रुपये पे, 25,000 × 20,000 50 लाख। लेकिन अब क्या हुआ, जब ये तीनों सॉल्यूशन हमने अप्लाई कर लिया तो जो 25,000 यूनिट की सेल हो रही थी वो 5,000 यूनिट से बढ़ गई, यानी अब 30,000 यूनिट की सेल हो रही है। 30,000 × 20,000 यानी 60 लाख रुपया। और ये परसेंटेज जो सेल है वो इससे कैलकुलेट किया गया है, ये टोटल में ये है, ठीक है। इसी को बेस रख के ये सारी जो है कॉस्ट का परसेंटेज निकाला गया है। तो अब आप ये देखो, अभी आपने निकाला कि कितना कितना परसेंट की कमी आई। अब आप देखोगे कि एक्चुअल में हमें बेनिफिट कितना हो रहा है। ये सेकंड टेबल है, सेकंड टेबल में देखो कि अब गुड्स रिप्लेस नहीं हो रहे हैं, तो पहले जो खर्चा आ रहा था वो बच रहा है, वारंटी क्लेम का खर्चा बच रहा है, रिवर का खर्चा बच रहा है, इंस्पेक्शन कॉस्ट का खर्चा बच रहा है। ये खर्चे हमारे ये सेविंग्स है एक तरीके से, ये तो सेविंग्स है। लेकिन एडिशनल जो कंट्रीब्यूशन है वो भी तो हमें ऐड हुआ है। एडिशनल कंट्रीब्यूशन कैसे ऐड हुआ है? पहले 5,000 रुपये, अब जो है 5,000 यूनिट ज़्यादा सेल होती है, और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन जो है वो 7,500 रुपया है। कैसे 7,500 आया? क्योंकि सेलिंग प्राइस देखो 20,000 दे रखी थी, और वेरिएबल कॉस्ट हमें बता ही रखा था 12,500, यानी कंट्रीब्यूशन कितने 7,500, यानी ये सेविंग्स हो गई और ये एडिशनल इनकम हो गई 5,000 × 7,500 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। फिर इसके अलावा कॉस्ट भी लगा है इन सब सेविंग को करने के लिए, और एडिशनल इनकम को एक्वायर करने के लिए हमारी कुछ कॉस्ट भी लग रही है, जैसे ट्रेनिंग कॉस्ट लग रही है, क्वालिटी कॉस्ट लग रही है, और जब हम नई मशीन खरीदी हमने उसकी भी कॉस्ट लग रही है। यानी टोटल आप देखोगे तो नेट बेनिफिट आपको इतना हो रहा है 1,51,81,250 रुपये का। फिर आता है हमारा आखिरी फेज कंट्रोल। कंट्रोल में क्या है कि इसको हम 6 सिग्मा जो लेवल है उसके ऊपर मेंटेन करके रखेंगे, और मेंटेन कैसे करके रखेंगे कि जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है उसको हमेशा हम अपडेट अप टू डेट रखेंगे, और जो ट्रेनिंग सेशन है उसको प्रोवाइड करते रहेंगे। ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करने से क्या होगा, एक टू वे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है वो एस्टेब्लिश होगा। इससे हम जो है वर्कर्स उसके जो ट्रेनिंग देते हैं उनके इनपुट्स भी ले सकते हैं, और उनसे इनके इनपुट लेकर के हम जो प्रोडक्शन फ्लो है उसको भी अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें जब हम क्वालिटी चेक लगाते हैं सप्लायर के ऊपर, तो हमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम जो क्वालिटी चेक है वो अलग अलग एरियाज़ में लगाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हम हमेशा क्वालिटी चेक की जो फंक्शन है क्वालिटी चेक वाला, इसको इम्प्रूव करेंगे। उसमें से नए लेटेस्ट प्रोडक्शन मेथडोलॉजी लाएंगे, ताकि जो प्रोडक्शन चेक है वो हमारा अच्छे से हो पाए। हाँ, जो मशीन है उसको अपग्रेड रखेंगे, अप टू डेट रखेंगे, उसको कंटिन्यूस हमेशा असेसमेंट करते रहेंगे। ये चीज़ें हैं।